सो बचो असी की प्रूफ करना है, डी बी सी आपां को राइट एंगल आप प्रूफ करना सी, ठीक है। सो ए वाला आप एंगल राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है। तो देखो हुण सब तो पहले देखो बच्चे जिहड़ी लाइन है ए वाली बी डी लाइन ए सी दे पैरलर होएगी। ए जिहड़ी बी डी लाइन है इत्थे मैं लिख सकदा बी डी डी बी पैरलर टू ए सी। यह क्यों होएगी, रीज़न की है, रीज़न हैगा कि देखो ए ट्राइंगल तो ए ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट सी ना, जे कॉन्ग्रेंट है तो आ एंगल की होणगे, एक एंगल आ वाला, ठीक है, एक एंगल आ वाला, ठीक है, इधर ए वाला एंगल और इधर ए वाला एंगल, यह की होणगे अल्टरनेट एंगल ने, है ना। आ देखो ट्रांसवर्सल, अगर असी देखिए जेकर मैं डी सी नू ट्रांसवर्सल लवा, डी सी नू ट्रांसवर्सल लवा तो आ एंगल कि कॉन्ग्रेंट इक्वल होएगा ये एंगल, इट मीनस आ एंगल ये इक्वल होएगा। जो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो साढ़े को साइडा की होंगे सामने लाइन की होंगे साढ़े को पैरलर होंगे, इट मीनस आ एंगल ये अल्टरनेट है तो इक्वल एंगल है, तो इस करके कि बनेंगे यह साढ़े को बनेगा पैरलर लाइनस बनेंगे, ठीक है। सो डी बी इज पैरलर टू ए सी, यह गल पक्की होएगी। उस तो बाद बच्चे देखो जे आ लाइन ये पैरलर है, ठीक है, ए लाइन ये पैरलर है और एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इट मीनस फिर इन्हों दोनों का सम एदा तो यदा सामने सामने सम, ठीक है। इतने मैं तुम्हें बना के दस देना आ जी जिम्मे दो लाइन पैरलर है और यह एक ट्रांसवर्सल है, इट मीनस आ वाला सम यदा एंगल और यदा एंगल, ए एंगल दोनों का सम कि होएगा 180 डिग्री होएगा, इन दोनों का एंगल का सम की होएगा 180 डिग्री, इट मीनस एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी साढ़े की होएगा 180 डिग्री होएगा। जो आप गिवन स्टेटमेंट देखी सी तो साढ़े को ए एंगल की वैल्यू कितनी सी, ए एंगल की वैल्यू सी 90 डिग्री, ठीक है। सो एंगल बी डी बी सी प्लस इट जगह क्या आ गया 90 डिग्री, इधर आ गया 180 डिग्री, 90 डिग्री उधर लै जाओ, एंगल डी बी सी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो एंगल डी बी सी इज 180 जो 90 गए बच्चे 90 डिग्री। सो यह चीज़ प्रूफ करनी सी, असी प्रूफ करना सी एक राइट एंगल है, तो असी यह प्रूफ करता। उस तो बाद थर्ड पॉइंट केड़ा जो आप डिस्कस करना ये थर्ड पॉइंट है, क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट है, देखो थर्ड पॉइंट की कह रहा है, क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट कह रहा है कि डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट, डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी बी। हाँ जी बच्चे असी की करना है, डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी बी, इट मीनस साढ़े को असी प्रूव करना चाहते हैं कि आ वाला ट्राएंगल है जो आ वाला ट्राएंगल, आ देखो आ वाला ट्राएंगल देखते पे हो डी बी सी, दूजे बने ए बी सी आ ट्राएंगल, यह दोनों आपस कॉन्ग्रेंट ट्राएंगल है, ठीक है। पहला ट्राएंगल कहना लेना आप आला आ ट्राएंगल लेना, फिर दूजे वे पकड़ा ट्राएंगल लेना आला, यह दोनों ट्राएंगल की ने कॉन्ग्रेंट है। सब तो पहले तो गल है बच्चे देखो ए ट्राएंगल के आ वाला हिस्सा तो आ वाला हिस्सा यह कॉन्ग्रेंट है ही ने, ठीक है, पर आ वाला हिस्सा की गया ए ट्राएंगल कोंगल ये भी गया और ये भी गया पूरा, कहना मतलब कि आ ट्राएंगल है ना, यह ट्राएंगल किमें बनया, यह ट्राएंगल दो ट्राएंगल जोड़ के बनया, कि ट्राएंगल एक आ वाला और एक आ वाला, तो आ वाला ट्राएंगल किमें बनया, ए वाला ट्राएंगल तो ए वाला ट्राएंगल, ठीक है। हूँ आप जो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना, आप कॉन्ग्रेंट किनू प्रूफ करना, डी बी सी, डी बी सी बनया किमें, पहली गल डी बी सी बनया किमें, ठीक है, डी बी सी आ ट्राएंगल डी बी सी किमें बनया, ए वाला ट्राएंगल तो ए वाला ट्राएंगल दोनों जोड़ के फिर ही बनया ना डी बी सी पूरा, ठीक है। सो यह ट्राएंगल कि डी बी एम, देखो ट्राएंगल डी बी एम कि जोड़िया असी ट्राएंगल एम बी सी ना, ट्राएंगल एम बी सी ना, तो यह वाला ट्राएंगल किमें बनया होगा, ए सी बी ट्राएंगल किमें बनया होगा, ए सी बी ट्राएंगल आ वाला ए ए सी बी ट्राएंगल कि बनया होगा, ए वाले ट्राएंगल ना प्लस आ वाले ट्राएंगल ना, ठीक है। ए एम सी क्या ट्राएंगल है, ट्राएंगल ए एम सी प्लस दूजा कड़ा ए एम सी, तो दूजा ट्राएंगल कड़ा बी एम सी, ठीक है, बी एम सी, ठीक है, ए एम सी तो बी एम सी प्लस करके यह बनया। देखो हूँ बी एम सी तो बी एम सी इधर भी है ना, एम बी सी जिन्होंने बी एम सी लिखा, दोनों दोनों बने प्लस करके बनाए, इन्हें दोनों जोड़ा, इन्हों दोनों जोड़ा कि बनेगा साढ़े को है ही बनेगा ट्राएंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राएंगल ए सी बी। सो दिस इज़ हाउ वी प्रूफ, वी कैन प्रूव, क्योंकि आड़ा पोर्शन है दोनों इक्वल है, जो आप दोनों दो कोई ईक्ल पार्ट है तो उन्होंने ईक्ल चीज़ें जोड़ देंगे तो उन्हें ईक्ल ही रहना। सो ठीक है, इन इस तरीके असं प्रूफ कर सकते हैं।